नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। आपको कहा जा रहा है इन गिवन फिगर 6.15। अब फिगर क्या है पहले मैं वो बना देता हूँ। इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है, ये है S, दिस इज द पॉइंट Q, दिस इज द पॉइंट R एंड एज पर फिगर दिस इज द पॉइंट T, और ये जो वर्टेक्स पॉइंट है यहाँ पर ये आपका पॉइंट है P, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, एंगल PQR, व्हाट हैज बीन गिवन हेयर, व्हाट हैज बीन गिवन हेयर, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर बीच में ये आ रहा है तो ये एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। दिस इज द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, टू प्रूफ। आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो आप प्रूफ करो दैट एंगल पी क्यू एस, कि ये जो एंगल है एंगल पी क्यू एस ये इक्वल होगा एंगल पी आर टी के, ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये देखो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन फिगर 6.15 दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। आपको कहा जा रहा है एंगल पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आपको क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट, अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, अगर ऐसा है तो एंगल पी क्यू एस जो है ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू एस ये इक्वल होगा एंगल पी आर टी के, ये इक्वल होगा एंगल पी आर टी के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो प्रूफ, अब हम प्रूफ कर रहे हैं, कैन आई से दैट एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, से क्वेश्चन नंबर 1। भाई देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल है, ये ब्लू वाला और रेड वाला एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म है, ये अनकॉमन आर्म है और अपोजिट साइड में कॉमन आर्म। जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो ये सम तो 180 होगा ही होगा, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है लीनियर पेयर, उसका रीज़न क्या होता है, लीनियर पेयर। तो रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर, उसका रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर। इसी तरह से देखो सेम चीज यहां पे देखो, कैन आई से दैट एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर क्यू प्लस प्लस एंगल पी आर टी, ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 180 डिग्री, सेम वही चीज, ये भी दो एडजेसेंट एंगल है और पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो स्ट्रेट लाइन पर सम होता है अगर 180 डिग्री होता है तो रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर। अब आप ये देखो जो इक्वेशन 1 है इसकी राइट हैंड साइड भी 180 डिग्री है और जो इक्वेशन 2 है
इसकी राइट हैंड साइड भी 180 डिग्री है। अगर दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड भी फिर मैथमेटिकली इक्वल होती है। मतलब अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5, अब इन दोनों इक्वेशन की अगर एक साइड इक्वल है तो आप यही कहोगे ना x इक्वल टू y। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर होता है, अगर दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी फिर इक्वल होगी। तो आप कहोगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, इज इट क्लियर? ठीक है, विल बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के इक्वल है, तो मैं इसकी तो एंगल पी क्यू एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं ये तो प्रूव करना है, ये गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है, तो एंगल पी क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूँ पी आर क्यू। तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा एंगल पी क्यू एस, और एंगल पी क्यू आर की जगह आ जाएगा पी आर क्यू। इसको एज इट इज लिखो, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू, ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एंगल पी आर क्यू, और इक्वल टू में क्या आ गया पी आर टी। अब देखो सेम एंगल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वर्ड वी विल हैव विच इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही तो प्रूव करना था कि एंगल पी क्यू एस जो है एंगल पी आर टी के क्या है, इक्वल है। Hence proved. Is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question.